Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सांसद आजम खान की पत्नी और रामपुर नगर विधायक तंजीम फातिमा ने बताया कि इन दिनों आजम खान ठीक खाना नहीं खा पा रहे हैं। उनके मुंह में अल्सर है। उनका आरोप है कि आजम खान को सांसद के प्रोटोकॉल के तहत भी कोई सेवा नहीं दी जा रही है, उनके साथ पूरा सलूक किया जा रहा है। सांसद आजम खान ने अपने जिले के अलावा पूरे प्रदेश के जिलों में बेहतर विकास कराएं, जबकि अपने नगर को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा के जगत में यूनिवर्सिटी बनाई, पर वर्तमान की योगी सरकार ने सब बर्बाद कर दिया। तंजीम फातिमा ने आगे कहा कि आजम साहब ने किसी की भैंसें नहीं चुराई, ना ही वो भूमाफिया है, पर सरकार ने उन्हें भूमाफिया घोषित करके उनके विरुद्ध सैकड़े केस फाइल करके उन्हें बर्बाद करने के लिए जेल में ठूंस दिया है। अब उनकी हालात खराब है। सांसद आजम खान एक लोकप्रिय नेता है। सरकारें तो बदलती रहती है, पर वर्तमान की सरकार ने जो उन पर जुल्म ढाया है वह किसी तानाशाही से कम नहीं है। तानाशाह रवैया से आजम साहब को बर्बाद करने की नीति योगी सरकार ने बनाई है, इसके लिए पूरे प्रदेश की जनता 2022 के चुनाव में उनका पूरा का पूरा हिसाब किताब करेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने आजम खान पर ही जुल्म नहीं किया, बल्कि हर तबके के लोगों पर जुल्म किए हैं। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है, क्राइम बढ़ता जा रहा है, लोगों के साथ प्रशासन जुल्म करता जा रहा है। योगी जी को सब यह नजर नहीं आ रहा है। आजम खान साहब ने पूरे प्रदेश में जो अपनी पकड़ लोगों की मदद करके बनाई है, वह सब चीजें इनको पच नहीं पा रही है, इसलिए उन्हें बर्बाद करने का पूरा प्लान है और उसी प्लान को लेकर इनकी सरकार के अधिकारी काम कर रही है। बात करें तो गौरतलब है कि बीते महीने सीतापुर जेल में बंद आजम खान के फेफड़ों में पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस कैविटी और चेस्ट इन्फेक्शन पाया गया था। इससे पहले उनकी और उनके बेटे अब्दुल्ला के 30 अप्रैल को RT-PCR रिपोर्ट जो थी वो निगेटिव आई थी। 2 मई को प्रशासन उन्हें बेहतर इलाज के लिए लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज ले जाने की सलाह दी थी, लेकिन तब उन्होंने सीतापुर जेल से बाहर जाने से इनकार कर दिया था। वहीं कुछ दिनों बाद तबीयत बिगड़ने पर उन्हें लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, जहां उनका अभी भी उपचार चल रहा है। न्यूज रूम से न्यूज लाइव के रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.